बिहार सरकार के द्वारा बीपीएससी शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति हटाने और पटना में आंदोलन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार को अररिया में शिक्षक अभ्यर्थियों ने रैली निकालकर बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए डोमिसाइल नीति को पुनः लागू करने की मांग रखी है। सोमवार को गैर सरकारी संगठन अररिया का मुद्दा के संचालक फैसल जावेद यासीन की अगुवाई में अररिया के कोसी पुल से चांदनी चौक तक विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली गई। इस दौरान बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस रैली में भारी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी छात्र छात्रा एवं शिक्षक संघ के अधिकारी शामिल हुए। मौके पर उपस्थित जिला पार्षद सवा फैसल ने कहा कि हम लोग छात्र भावना को आंदोलन के शक्ल में मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री सहित संबंधित विभाग को अवगत कराने को प्रयासरत है। इस मौके पर शिक्षक नेता आपता फिरोज, राहिल अजीज, मोइन बाबा, अकमल फारूकी, वसीकुर रहमान, हाजी तनवीर, कामिल अख्तर, जशीम उर्फ गुड्डू, काशिम उमेर, मोहम्मद गुफरान आदि शामिल थे। नीतीश कुमार, आप में थोड़ा सा भी सद्बुद्धि है? तेजस्वी यादव, आपको थोड़ा सा भी सद्बुद्धि है? जो वादा किया था आपने, उस वादा को पूरा कीजिए। आप बोले थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख में नौकरी में भी एक भी नौकरी अभी तक नहीं दी आप। कौन चीज में नौकरी, कौन चीज का बहाली करवाए हैं आप? थोड़ा होश में आओ चाचा, हम बिहार का बच्चा है। बिहार एक बिहार सौ पे बहाली होते हैं। एक बिहारी उसको लेंगे, उसको भी मान ली। अब ऊपर से क्या बोल रहे हैं ये कि हम जो मिसाइल हटा दिए हैं अदर स्टेट वाला यहाँ आए, जब अदर स्टेट में हम फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ 10% आरक्षण मिलता है, अदर स्टेट वाले 200% आरक्षण मिलेगा यहाँ, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इस बयान से मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मुझे बिहारियों को तकलीफ होनी चाहिए इस बयान से। आप दो मिसाइल को लागू करें और बिहार बिहारियों को ही बिहार में नौकरी दें, बाहरी बच्चा पर रोक लगाएं, क्योंकि जब वो सब दो मिसाइल को लागू करते हैं अपने राज्य में, यूपी में करते हैं, झारखंड में करते हैं, बंगाल में करते हैं, हम बिहारियों को हर जगह लाठी से मारा जाता है, हर जगह मतलब धक्के मार के भगाया जाता है, तो हम लोग रोजगार मांगने के लिए कहाँ जाए? हम लोग रोजगार आपसे मांगेंगे, यहाँ के सरकार से मांगेंगे, और सरकार भी बहुत धोखेबाज है। कभी वो बीजेपी से मिलता है, कभी वो आरजेडी से मिलता है, और सब मतलब की चुसलेबाजी करते हैं और नौकरी का वादा करके कोई नौकरी नहीं देते हम लोगों को। और हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं, अगर अभी उस मिसाइल को लागू नहीं करेंगे बिहार में, तो आपको 2024 का लोकसभा और विधानसभा में हम लोग एकजुट होकर आपको बता देंगे, और यहाँ से हार का मुंह देखकर आपको वापस जाना पड़ेगा, बहुत बहुत नुकसान होगा। मैं तो यही कहूँगी कि जब तक नहीं नीतीश सरकार अपना नियम बदलती है, मिसाइल लागू करती है, तब तक सभी छात्र छात्राओं से यही अपील करेंगे कि आप विरोध प्रदर्शन लगातार करते रहिए, क्योंकि हम बिहारी कहाँ जाएंगे, हम बिहार के बच्चे कहाँ जाएंगे, जहाँ पे पलायन की इतनी बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या पहले से ही है, और सरकार जो है अब यहाँ पे नया कानून लागू करती है, बिहार के बच्चों को बहुत कुछ समझ कर रखती है। क्या नीतीश कुमार का जो मंशा है मानने का तो अलग है, लेकिन हम जितने बच्चे जो 2-3 साल से सीट स्टेट पास करके रखे हैं, यही आशा पे कि उनको जॉब होगा। अब जॉब होगा तो अब वो नया चीज देखते हैं कि बीपीएससी करना होगा। आप बीपीएससी पर तो ठीक है, आप बोलते अदर स्टेट के बच्चे भी हो सकते हैं, क्या हम लोगों को बेवकूफ समझ के रखे हैं? हम बिहार के बच्चों को बेवकूफ समझ सकते हैं, हम बिहार के बच्चों को बेरोजगार जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो बेवकूफ नहीं हो सकते। नीतीश कुमार जी, अगर आप अपना नियम और कानून नहीं बदलते हैं, तो मैं तो सभी छात्र छात्रा और सभी से अपील करती हूँ, इस बार सरकार ही बदल। देखिए, जब बेइज्जती बहुत ज्यादा हो जाती है तो लोगों को सामने आना पड़ता है। बिहार का अपमान पिछले सरकार में भी हमेशा होता रहा है, लेकिन इस बार तो हमारे शिक्षा मंत्री ही हमारा अपमान करते हैं। वो कहते हैं बिहार के बाहर के छात्र जो होंगे वो ज्यादा अच्छा होंगे। अब मेरा सवाल यह है कि जब इतने ज्यादा सीटेट बीटेट क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग बिहार में हैं, तो हमें बाहर से लड़के लाने की क्या जरूरत है? मैं बेशक अब बिहार को इतना कैपेबल बनना चाहिए कि पूरी दुनिया को नौकरी दे, लेकिन तेजस्वी यादव जी, आप जिस वादे पे लेके वोट लेके आए थे, आपने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, तो हम कहते हैं ये 10 लाख नौकरी बिहारियों को दे, उसके बाद करोड़ नौकरी लाए, सबको दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो यहाँ तक लगता है कि तेजस्वी यादव, शिक्षा मंत्री और चंद्रशेखर जी और नीतीश कुमार जी, कि बाहर के लोगों से वसूली करना आसान होगा,
घुसखोरी करना आसान होगा, इसीलिए वो बाहर के लोगों को लेके आए हैं। अररिया का लग्जीरियस होटल ग्लेशियर अब आपकी सेवा में तैयार। अररिया का लग्जीरियस होटल ग्लेशियर अब आपकी सेवा में तैयार है। ग्लेशियर होटल में आपको एक से बढ़कर एक लग्जीरियस रूम की व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ पर क्लासिक सूट रूम एसी, महाराजा सूट रूम एसी, सुपर डिलक्स रूम एसी, डिलक्स रूम नॉन एसी, स्टैंडर्ड रूम एसी, स्टैंडर्ड रूम नॉन एसी एवं डॉर्मेट्री बेड, मीटिंग हॉल एसी, कॉन्फ्रेंस हॉल एसी, रेस्टोरेंट एवं लिफ्ट आदि की सुविधा उपलब्ध है। क्लासिक सूट एसी, महाराजा सूट एसी, सुपर डिलक्स एसी रूम के साथ ब्रेकफास्ट फ्री है। हमारा पता है 0 माइल पेट्रोल पंप के सामने अररिया। मोबाइल नंबर 9801073344।